नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार, आशीष होम से। आज हमने आपके लिए 50-50 गज के तीन मकान रेडी कर दिया है। टू साइड ओपन मकान है, दोनों गली आपको जो है 20 फुट और 15 फुट की गली मिलने वाली है। सबसे पहले आप फ्रंट एलिवेशन देखें, वाइड गली का, 20 फुट गली का, देन मैं आपको जो है पीछे वाली गली का भी फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ। तीन मकान है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों मकान हमारे सेम गली में है। टू साइड ओपन मकान है, 50 गज के 15x30 के प्लॉट है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। चलते हैं दोस्तों अब बैक साइड गली में। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गया हूँ बैक साइड गली में। इसका भी आप जो है एलिवेशन देखें, आप काफ़ी शानदार हमने यहाँ पे बनाया है। मोस्टली पीछे वाली गली में टाइल्स नहीं लगते, लेकिन हमने यहाँ पे टाइल्स वर्क प्रॉपर, आपको लाइट्स और जो जितना भी आप काम देख रहे हैं कंप्लीट आपको मिलने वाला है। तीन मकान है इस गली में, तीनों के जो है 15 फुट गली आपको बैक साइड की मिलती है, सामने गली आपको 20 फुट की मिलती है। चलते हैं दोस्तों मकान के अंदर, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये मकान दिखाने वाला हूं। तो वीडियो स्किप ना करें, देर तक आप देखें, आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। प्राइस आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, बहुत कम प्राइस हमने इस मकान का रखा है। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, LIC ऑफ इंडिया से भी आप इसमें होम लोन ले सकते हैं। तो चलते हैं आप दोस्तों मकान के अंदर। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ 50 गज का फ्रंट एलिवेशन। आप देखें काफ़ी शानदार हमने यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन तैयार किया है। आपको एक बिग आयरन डोर मिल जाता है, गाड़ी पार्किंग यहाँ पर हमने बना रखी है, रैंप जो काफ़ी स्मूथ हमने दे रखे हैं, और तीन आपने छोटे स्टेयर्स भी दे रखी है। तीन मकान है इस गली में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, उसमें अभी काम चल रहा है। तो तीनों ही अभी जो है अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस, कम प्राइस में आपको मिलने वाले हैं। रजिस्टर प्रॉपर्टी है, लोकेशन मैं बता दूँ, द्वारका मोड़ मोहन गार्डन में आपको लोकेशन मिलने वाली है। मेट्रो स्टेशन यहाँ से आपको द्वारका मोड़ का नज़दीक रहेगा। ई रिक्शा कनेक्टिविटी आपको सामने मिल जाती है, वाइड गली है, यहाँ से सीधा आप जो है 1 से 1.25 किलोमीटर पर अपने जो है मेट्रो कनेक्टिविटी तक पहुँच जाएंगे। आस पास जो लोकेशन है काफ़ी अच्छी है, और हमारे जो है कम्युनिकेशन यहाँ पर आपको स्कूल मिलने वाले हैं, सुविधाएँ यहाँ बताऊँ आपको, जल बोर्ड के पानी आपको मिल जाता है, सीवर लाइन मिल जाती है, गैस के कनेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और प्राइमरी स्कूल यहाँ पर है और सरकारी स्कूल यहाँ पर तीन स्कूल हैं जो 300 से 400 मीटर पर आपको जो है मिलने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों मकान के अंदर, मैं आपको सारा जो है पार्किंग, वन रूम, जितना भी हमारा ग्राउंड पोर्शन में जो भी चीज़ें हमारी बनी है, मैं धीरे धीरे करके आपको जो है दिखा देता हूँ। पार्किंग के पहले आप स्पेस देखें, काफ़ी अच्छा स्पेस हमने पार्किंग का बनाया है। नीचे हमने जो है मार्बल का वर्क कर रखा है, तो इसलिए आप जो है अपनी बिग कार तो यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और एक हमने यहाँ पर पार्टीशन बना रखा है जो किचन हमारा इसके पीछे है, और यहाँ पर हमने जो है आर्टिफिशियल जो है एक पिक्स बना रखी है गौतम बुद्धा की, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ हमने जो है विंडो का पार्ट दे रखा है। फॉल सीलिंग लिविंग रूम की देखें, काफ़ी शानदार हमने जो है फॉल सीलिंग यहाँ बनाई है। लैंटर की हाइट आप देखें काफ़ी ऊँची रखी है, और एक स्टेप हमने जो है ऊँचा रखा हुआ है रूम्स के और जो है हमारे किचन के लिए, ताकि पार्किंग हमारी जो है काफ़ी स्मूथ रहे। तो काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर हमने ध्यान रखा गया है। 50 गज टू साइड प्रॉपर्टी है, द्वारका मोड़ मोहन गार्डन में आपको ये मिलने वाली है। टाइल्स की बात करें तो टाइल्स हमने जो है पार्किंग पोर्शन में, हाफ पोर्शन में टाइल्स हमने यहाँ पर दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है टाइल्स का मार्बल कवर हमने यहाँ पर आपको लेके दे रहे हैं। अब बात करते हैं स्टेयर्स की, तो एक बार स्टेयर्स दिखाएं। यहाँ पर जो है SS की ग्रिल अभी लगना पेंडिंग है, तो वो हम आपको लगा के देंगे। ये हमारा जो है मोटर सेक्शन का पॉइंट है, तो यहाँ आप जो है अपने ग्राउंड के कनेक्शन, समर्सिबल के और दिल्ली जलबोर्ड कनेक्शन आपको यहाँ पर जो है करके दिए गए हैं, तो इसलिए आप जो है अपना कवर कर सकते हैं, मोटर सेक्शन अपना यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों ग्राउंड में, हमारा जो है एक रूम है, वॉशरूम है और एक किचन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले किचन हमारा एंटर करते किचन आता है, किचन आप देखेंगे एल शेप का पूरा किचन आपको यहाँ पर हमने तैयार कर दिया है, काफ़ी शानदार आपको किचन मिलने वाला है। सारे आपको ड्रॉर्स, बास्केट्स यहाँ पर आपको मिल जाती है, और यहाँ पर हमने जो है चिमनी का एक पॉइंट छोड़ा हुआ है, चिमनी आपको यहाँ पर लगा के देंगे। जितने भी आप काम देख रहे हैं किचन में पूरा कंप्लीट होकर आपको किचन मिलने वाला है। टाइल्स हमने यहाँ पर दे दी हैं, विंडो का एक सेक्शन आपको यहाँ मिलने वाला है, तीन आपको यहाँ पर टैप्स मिल जाएंगे। तो ग्राउंड पोर्शन में आपको चाहे तो आप अपना गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, या रेंट पर देना चाहें तो रेंट पे दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको रेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। और रूम की बात करें तो रूम का साइज़ जो हमारा है 12x10 का साइज़ आपको यहाँ पर रूम का मिलने वाला है। नीचे आपको 4x2 के टाइल्स मिल जाती है, काफ़ी शानदार टाइल्स हमने यहाँ पर लगाई हैं। और वॉलपेपर जो है इस वॉल पे हम आपको लगा के देंगे, और अभी जो है पेंडिंग है वॉलपेपर का काम, पूरे मकान में आपको पेंडिंग है, तो वो जो है चॉइस से जो है कस्टमर की हम लगा के देते हैं। पीछे गली जो है 15 फुट की रहने वाली है, और हमने आपको यहाँ पर वुडन का डोर भी लगा दिया है, आयरन डोर भी लगा दिया है सेफ्टी पर्पज से, और एक विंडो का जो है पूरा आपको जो है पार्ट यहाँ पर मिल जाता है। पीछे वाली गली भी 15 फुट की है, वहाँ भी आपको जो है सीवर लाइन, जलबोर्ड के कनेक्शन सब कुछ मिलने वाले हैं। और फॉल सीलिंग की बात करें तो काफ़ी शानदार हमने यहाँ पर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको बना के दिया है। और ठीक सामने हमारा जो है टीवी पैनल है, तो टीवी पैनल
पूरे जो है सब रूमों में आपको टीवी पैनल मिल रहा है, ग्राउंड में भी और फर्स्ट में भी, तो नीचे भी आपको जो है स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आप जो अपने एल एन टी वी आराम से प्लेस कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वॉशरूम में, वॉशरूम का आप स्पेस देखें तो लेंथ में जो यहाँ पर पूरा वॉशरूम आपको मिलता है काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। यहाँ बेसिन सीट लगेगी, यहाँ ड्रेनेज का पॉइंट है, टाइल्स पूरे प्रॉपर हमने यहाँ पर 4x2 के टाइल्स लगाए हैं वॉल पे, इस साइड भी और इस साइड भी आपको मिलती है, और एक विंडो का पार्ट यहाँ बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा वॉशरूम आपको मिलने वाला है, और टाइल्स यहाँ पर हमने जो है आके दे रहे हैं, यहाँ पर पेंडिंग है। शावर आपको मिल जाता है, सीलिंग का भी डिज़ाइन हमने यहाँ पर दे रखा है, वुडन के डोर हैं। तो पूरा मकान आप देख रहे हैं इंटीरियर वाइज आप कंप्लीट आपको मिलने वाला है, चाहे आप ये मकान लें चाहे बाकी के दो मकान लें, तीनों अवेलेबल हैं। अब दोस्तों चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, बहुत ही शानदार हमने फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन बनाया गया है, 2 BHK आपको पैटर्न मिलने वाला है, काफ़ी शानदार मकान है। तो देर ना करें, अगर आपको बड़ा मकान को ढूंढ रहे हैं 50 से 60 गज का, तो इसे एक बार जरूर देखने आए, और देखते ही अगर आपको पसंद आता है तो इसे बुक करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ मेन डोर आप देखेंगे आपको पूरा वुडन का डोर मिल जाता है, सेपरेट पोर्शन मिलता है, स्टेयर से आते ना हमारा सेपरेट हमने रखा हुआ है। अगर आप नीचे चाहें तो रेंट पर पैसे दे सकते हैं, ऊपर आप खुद यूज़ कर सकते हैं, और ऊपर आप चाहें फ्यूचर में और जो है मंजिल बनाना स्टोरेज बनाना तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। पूरा आप जो है पहले एरिया देखिए, अंदर आते हमारा जो है लिविंग रूम आता है, 50 गज का 2 साइड ओपन मकान है, दोनों में आपको जो है बालकनी मिलेगी, मैं आपको दिखा दूंगा, छज्जे हमारे निकलते हैं दोनों तरफ गली में। काफ़ी अच्छा शानदार हमने जो मकान बनाया है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, LIC ऑफ इंडिया से भी आप इसमें होम लोन ले सकते हैं। तो पूरा जो है एक बार लिविंग एरिया दिखाएं अच्छे से। नीचे आप टाइल्स देखें, काफ़ी अच्छे टाइल्स हमने यहाँ पर लगाए हैं, और सामने हमारा जो है टीवी पैनल हमने यहाँ बनाया है वुडन का, काफ़ी शानदार बनाया है। इलेक्ट्रिक पॉइंट हमने यहाँ दे रखे हैं, स्पेस आपको यहाँ पर नीचे मिल जाता है, यहाँ पर आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो अपना 43 इंच 55 इंच टीवी यहाँ पर अपना आराम से प्लेस कर सकते हैं, और सामने हमारा जो है सोफ़ा का जो है प्लेसमेंट यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर आप जो है 5 सीटर तक सोफ़ा आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं, बीच में आप कंफर्टेबल लगा सकते हैं। और एक बार फॉल सीलिंग देखें तो काफ़ी शानदार फॉल सीलिंग इस लिविंग रूम की आपको मिलने वाली है। 2 BHK का पैटर्न हमने बनाया है फर्स्ट फ्लोर में, एक रूम मेरा जो है 15 फुट गली में ओपन होता है, तो एक रूम हमारा जो है 20 फुट में, और इसके बाद जो हमारा किचन अटैच है मैं आपको वो दिखाता हूँ। किचन में एंटर करते हैं, किचन आप देखेंगे काफ़ी जो हमने लॉन्ग जो है पैटर्न यहाँ बनाया है एल शेप का, काफ़ी स्पेस हमने यहाँ पर दे रखा है, इसलिए आप जो है किचन में आराम से काम कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, और अपना जो है जैसे भी आप वक्त रहना चाहे कर सकते हैं। फ्रिज की जगह हमने यहाँ पर रखी है, तो डबल डोर तक का फ्रिज आप यहाँ पर अपना प्लेस कर सकते हैं। और एक बार जो है किचन का जो वर्क देखिए आप, ग्लास वर्क हमने पूरा प्रॉपर दे रखा है पूरा किचन में, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो मिल जाती है, प्लस आपको जो है यहाँ पर हम चिमनी का जो है पॉइंट हमने छोड़ा है, चिमनी यहाँ पर आपको लगा के देंगे, और एक एडजस्ट फैन भी आप चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। ऊपर में हमने लाइट्स दी है। फॉल सीलिंग का पैटर्न देखेंगे आप, पूरा कंप्लीट आपको लिविंग रूम और किचन तक आपको फॉल सीलिंग पूरा मिल जाता है। ड्रॉर्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे हमने यहाँ पर ड्रॉर्स के पैटर्न दे रखे हैं कैबिनेट के, और अपना आप जो है सामान रखना चाहें किचन से रिलेटेड तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। नीचे जो है आपको बास्केट्स मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, और जितना भी आप सामान किचन से रिलेटेड आप यूज़ करते हैं कंप्लीट हमने यहाँ पर आपको पैकेज दे दिया किचन का। और माइक्रोवेव और मिक्सी के पॉइंट हमने यहाँ बनाए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, और 3 टैप्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, ठंडे पानी गर्म पानी के, दिल्ली जल के कनेक्शन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, हाथ धोने का बेसिन काफ़ी स्पेस हमने यहाँ बना रखा है। टाइल्स वर्क देखेंगे आप तो हाफ पोर्शन में हमने किचन में टाइल्स लगाई है, काफ़ी अच्छी आपको टाइल्स यहाँ पर मिलने वाली है। तो कैसा लग रहा है आपको ये मकान, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। 50 गज 2 साइड ओपन मकान है, ज़्यादातर मकान हमारे पास 1 साइड रहते हैं, पर ये मकान 2 साइड मकान है, और इस गली में हमारे 2 प्रोजेक्ट और हैं रेडी होने वाले हैं, तो 3 मकान आपको इस गली में मिल जाएंगे। अगर आप फ्रेंड्स हैं या ब्रदर हैं साथ में लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छे ऑप्शन आपको रहने वाले हैं। अब चलते हैं दोस्तों फर्स्ट बेडरूम में, जो हमारा जो है बालकनी से अटैच है 15 फुट गली का। उससे पहले मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम का आप पहले स्पेस देख लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको वॉशरूम का मिलने वाला है। अभी जो है सैनिटरी फिक्चर यहाँ पर लगना बाकी है, स्पेस काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। नीचे आपको टाइल्स मिलती है, और जहाँ पर आप जो देखेंगे वॉल पे काफ़ी जो है अच्छे टाइल्स हमने यहाँ पर लगाई हैं, 4x2 के टाइल्स मिलाते हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको एक होल मिल जाता है जिसमें आप अपना एडजस्ट फैन लगा सकते हैं। टाइल्स शॉवर कंप्लीट होकर आपको जो वॉशरूम मिलने वाला है, और एक फॉल सीलिंग का डिजाइन भी हमने यहाँ पर दे रखा है, तो स्पेस काफ़ी अच्छा आपको जो है इस वॉशरूम में मिल जाता है। अब दोस्तों चलते हैं हम फर्स्ट बेडरूम में, जो हमारा 15 फुट गली से ओपन होता है। तो रूम में एंटर करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले आपको डोर हम आप देखें, पूरे मकान में हमने जो वुडन के डोर लगा पर लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छे कलर डिजाइन में आपको मिल जाते हैं।
इस रूम में हम आप पहले स्पेस देख लीजिए, 10x10 का आपको ये रूम मिलने वाला है। नीचे आपको 2x2 के टाइल्स मिलाती है, एक छोटा टीवी स्मॉल टीवी पैनल हमने यहाँ पर लगाया है, तो आप जो है टीवी यहाँ प्लेस कर सकते हैं। अलमीरा का आपको एक पार्ट मिलने वाला है, अलमीरा आपको यहाँ पर मिल जाती है, स्पेस देखिए अलमीरा का, तो काफ़ी अच्छा रूम आपको मिलने वाला है। वेंटिलेशन के लिए हमने आप पूरा एक विंडो का जो है पूरा पार्ट दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है, तो यहाँ पर आप जो है अपना विंडो ए सी भी लगा सकते हैं। और एक बार फॉल्स सीलिंग दिखाएं, फॉल्स सीलिंग का पैटर्न यहाँ पर काफ़ी शानदार हमने बना दिया है, येलो लाइट्स के साथ आपको जो है फॉल्स सीलिंग पूरी मिलने वाली है। वॉलपेपर की चॉइस आपकी रहेगी, अगर ये मकान हम खरीदते हैं तो जितने भी वॉलपेपर का काम पेंडिंग है वो आपके हिसाब से हम लगा देंगे। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बालकनी का सेक्शन, इसमें हमने जो है एक यूनिक काम कर रखा है, यहाँ पर आपको बालकनी का भी पोर्ट्रेट मिलता है और प्लस आपको यहाँ पर एक वॉशिंग एरिया बना के देने हैं, टैप्स और जो है ड्रेनेज का पॉइंट आपको यहाँ मिलने वाला है। और यहाँ पर हमने जो है पूरी वॉल बनाई है, तो ऐसे जो है वेंटिलेशन के लिए भी अच्छा आपको मिलता है, स्पेस आपको काफ़ी मिलता है, आप आराम से वॉशिंग जो है अपना यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो है लाइट्स और टाइल्स वर्क पूरा प्रॉपर कर रखा है कवर तक, तो काफ़ी अच्छा ये मकान रहने वाला है। 50 गज टू साइड ओपन मकान है, 15x30 का प्लॉट साइज है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, LIC ऑफ इंडिया से भी आप इसमें होम लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम हमारा जो है 20 फुट गली से ऊपर होता है, बालकनी आपको वहाँ मिलती है। उससे पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा शानदार आपको रूम मिल जाता है, 4x2 के टाइल्स यहाँ नीचे मिल जाती है आपको। इस वॉल पे हम जो है एक 3D में वॉल पेपर लगा के देंगे, काफ़ी शानदार। और ठीक सामने हमारा जो है टीवी कैबिनेट आपको मिलने वाला है, यूनिक डिज़ाइन में हमने यहाँ बनाया है और लॉन्ग पैटर्न में, तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा आपको डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ पर भी आप जो है टीवी पैनल में अपना टीवी लगा सकते हैं, यानी 3 TV पैनल आपको मिल रहे हैं किंग साइज़ में, 2 स्मॉल पैटर्न में। और इसमें भी आपको जो है स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है, पॉइंट हमने यहाँ पर दे रखे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये मकान आप हमें बताते रहें। एक बार फॉल्स सीलिंग दिखाएं, राउंड शेप में आपको पूरी फॉल्स सीलिंग मिलाती है, छोटे मोटे काम इसमें अभी पेंडिंग है, फिनिशिंग को लेकर कंप्लीट 10 से 15 दिन में हो जाएगा। और इस रूम में भी हमने जो है अलमीरा यहाँ बनाई है जो वॉल से अटैच है, तो एक बार आप स्पेस देखें, काफ़ी शानदार आपको जो है स्पेस यहाँ पर मिलने वाला है। तो सेकेंड बेडरूम आपने दोस्तों देख लिया है, वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर एक विंडो यहाँ पर भी दी है जो पूरा जो है कवर तक हमने जो विंडो सेक्शन बनाया है, और यहाँ पर आप चाहें तो अपना विंडो एसी भी लगा सकते हैं। डोर आपको जो है वुडन के मिल जाते हैं, तो पूरा कलर पैटर्न हमारा जो है सेम रहता है पूरे मकान में। तो आपने जो है रूम देख लिया है, अब मैं आपको दोस्तों बालकनी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार बालकनी आप देखें, काफ़ी शानदार आपको बालकनी मिलती है, टैप्स के आपको प्रोविजन मिलते हैं, SS की ग्रिल मिलती है और ऊपर भी आपको जो है टाइल्स का वर्क मिलता है, काफ़ी शानदार हमने जो है टू साइड बालकनी यहाँ पर बनाई है। अब चलते हैं दोस्तों छत की तरफ, मैं छत का भी आपको जो है दिखा देता हूँ। फ्रेंड छत पर हम एंटर करते हैं, उससे पहले आपको बता दूँ यहाँ हमने जो है इन्वर्टर बैटरी का एक सेक्शन बना रखा है जो कम्प्लीट आपको जो मिल जाएगा, और ये हमारा पूरा जो है मोमटर सेक्शन आने वाला है। और छत का आप जो है पूरा आपके व्यू देखें, हमने एक बार एक के टाइल्स लगा रखे पूरे छत में ताकि किसी प्रकार की आपको सीलिंग या हीटिंग ना हो। काफ़ी शानदार छत का पैटर्न आपको मिलता है, बाउंड्री वॉल्स पूरे मिलाते हैं, हैवी हमने पिलर्स यूज़ कर रखे हैं, 6 पिलर आपको मिलाते हैं, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। और बैक साइड की बालकनी आप देखेंगे पूरी कवर हमने कर रखी है, और टैंकी हमने यहाँ पर 2 लगा रखी हैं, दिल्ली जल बोर्ड कनेक्शन आपको मिलाते हैं, समरसेबल के पॉइंट आपको मिलाते हैं। और फ्रंट साइड हमारा जो है ये रहने वाला है, तो फ्रंट का जो आप एक बार एरिया देखें, तो ये एरिया जो है फ्रंट साइड की बालकनी आपको मिलती है जो 20 फुट गली में ओपन होती है। तो 50 गज का 2 साइड ओपन मकान है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, मैंने आपको शुरू में बताया काफ़ी शानदार मकान ये बना हुआ है, प्राइस अफोर्डेबल है, 80% तक इस पर आप होम लोन ले सकते हैं अपनी सैलरी के हिसाब से। और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल करके व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको मकान बताएं ज़रूर। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला हूँ, तब तक रखिए अपना ख्याल, धन्यवाद।